दोस्तों रात हो गई है, ये देखिए चंद्रमा, और वो जो दूर आपको लाइट दिख रही है वहाँ पे हमारी केज कैंपिंग होने वाली है, और अब वहाँ पे जा रहे हैं। दिन में सेटअप कर दिया था, उसका वीडियो बनाया था। ये है अपना टेरेस हाउस, ये जंगल, ये हरिमोहन। पुष्कर नीचे बोतल लेने गया पानी की, और ये पावर बैंक भी लेके जा रहा हूँ, उसमें टॉर्च भी है। ऊपर लाइटें जल रही हैं, है? जल रही, इसका मतलब कोई आया है? पुष्कर गया, तो पुष्कर जो गया था तब से तो सामान रख के आ गया भाई। वो सामने जो लाइटें जल रही है दोस्तों, इसका मतलब कोई मूवमेंट है वहां पे, क्योंकि पुष्कर तो तब से ऊपर से नीचे आ चुका है, सामान रखने गया था कुछ, तो उसकी वजह से नहीं है। चलो पास जाके देखते हैं। वो पक्का दो लाइटें तो मुझे क्लियर दिख रही है जलती हुई। चलिए दोस्तों अब चल पड़े हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये साउंड जो झिंगुर की है और खतरनाक होती जाएगी। डंडा रख लिया है, डंडा इस वक्त लेपर्ड के लिए नहीं है, क्रीचर्स के लिए है जो कि जमीन में होंगे, उनको डंडे से पहले मालूम चल जाएगा भाई कि हम आ रहे हैं, साइड में हो जाओ। जूते पहने हुए हैं, ये देखिए चंद्रमा, ऐसे ही जाना ना इधर से ऐसे। यहां से राइट को ऊपर, कहां से ऊपर ऊपर वो कहां रास्ता है? इसी से ले लो। सुबह दूसरे रास्ते से आए थे, यही था। यहाँ पे रास्ते में एक लाइट लगा दी है, जैसे ही सेंस मूवमेंट होगी जलेगी। डायरेक्ट कर रखी है क्या? तो उसको वो बटन दबा दो ना, एक दबा दो, एक बार और दबाओ, हाँ नहीं और दबाओ एक बार, हाँ बस। जब हल्की जलती है ना तब वो सेंसर चलती, ऊपर दूर पीकॉक की कॉल हो रही है। ये आ गया हमारा अड्डा, केज कैंपिंग। अच्छा एक बात है ध्यान रखना, भी अंदर जितने टेंट हैं सबकी जिप बंद है ना, अभी एक बार डंडे से खड़खड़ाना कहीं देवता ना बैठे हो। बड़ी वाली चल गई बंद हो गई ना, इधर वाली क्यों नहीं चल रही? अच्छा इधर अब चल रही, अंदर नहीं है ना? हाँ नहीं तो वो जो मेरा पावर बैंक है ना उसमें भी तो है लाइट, पूरी रात जलेगी। ये देखिए ये लाइट जल गई, ये भी जल गई, और ये है घना जंगल जहाँ से कहीं ना कहीं लेपर्ड भाई साहब हमें देख रहे होंगे कि आखिर ये लोग क्या करने आए। यहाँ कहीं भी घात लगा सकते हैं, पहले मैं ये देख लूँ, क्योंकि दिन में सामान छोड़ गए थे,
कहीं ऐसा ना हो। टेंट तो बंद है, जिप खुली बिल्कुल मत छोड़ना, जैसे काम हो बंद करो उसको। ये देखिए जो इमरजेंसी, ये जो सोलर लाइट लगाई थी इससे कितनी ज़्यादा रोशनी हो रही है, यहाँ पूरे प्रॉपर रोशनी है। अंदर जो छोटी छोटी है वो तो ठीक है, लेकिन ये बड़ी वाली इसीलिए यहाँ लगाई थी मैंने, क्योंकि टार्प भी यहीं बांधा है, सारी एक्टिविटीज़ यहीं पे है। एक बड़ी फोकस लाइट हमने लाई हुई है, और बाकी आज हमारी बनेगी यहाँ पे वेज बिरयानी। वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है चंद्रमा, और वो जो नीचे लाइट दिख रही है वो हमारे जंगली रिजॉर्ट की है। सामने जो कुछ घर हैं गांव में, और ये टॉर्च की रोशनी पूरी सामने तक जा रही है। ये है झाड़ियाँ, इनमें रोज लेपर्ड का डेरा होता है, जो बार्किंग डियर कॉल करता है यहीं कहीं बैठा होता है। आज नहीं बैठेगा क्योंकि आज हम लोग आ गए, चौंक वो भी गया होगा कि भाई क्या चक्कर है। ये देखिए ऊपर पेड़ पे भी नहीं है, ये पुष्कर तैयारी कर रहा है सब। क्या वेज बिरयानी बना रहे हो ना? वेज बिरयानी की तैयारी है, और वो हरी मोहन वहाँ से लैंटाना की झाड़ियाँ तोड़ रहा है। ये चूल्हे में बनाएंगे, वैसे गैस है हमारे पास, लेकिन जब ये लोहे का चूल्हा है तो इसी में बनाते हैं फिर। ये वेज बिरयानी के लिए सब्जी की कटिंग चल रही है, बीन्स, प्याज, गोभी, मटर, अदरक, लहसुन, और ये रखा हुआ है गैस, लेकिन खाना बनाएंगे चूल्हे में। पानी भी लाया हुआ है हमने, ये गैस भी जला दी है, और बाद में ये आग भी जला देंगे। इधर चावल भिगो दिए हैं, इधर पुष्कर ने सारी सब्जी काट ली है, वो घी भी लाया हुआ है, तेल भी है। और ये जो एक इमरजेंसी लाइट लेके आए हम लोग, ये सोलर लाइट लगी है, पीछे वाली सेंसर लाइट्स हैं तो वो बंद है क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वो हल्की हल्की चल रही है उधर वाली। लेकिन इसके ऊपर का नज़ारा देखिए, नीचे ये रोशनी है, ऊपर देखो आप, ये टार्प पे भी ये वाली रोशनी पड़ रही है, उसके पीछे यहाँ रोशनी है, वहाँ एकदम अंधेरा है, इस साइड भी देखिए अंधेरा है। बीच बीच में टॉर्च मार लेता हूँ, लेकिन अभी तक कोई आंखें वगैरह चमकी नहीं है। तेल डाल दिया इसमें? अब इसमें तेल डाल दिया तो ये सारी सब्जियां फ्राई कर रहे हैं। ये चॉपिंग बोर्ड तो मेरा जो कैंपिंग वाला सामान है उसका है, और जिसे चॉप कर रहा है वो ये पुष्कर अपने जंगली रिजॉर्ट के किचन का लाया है, क्योंकि मेरा चाकू उसका बड़ा, वो छोटा वो सफ़ेद वाला चाकू रखा है वो था। मैं भूल गया था दोस्तों कि मैंने एक बल्ब भी लाया था एलईडी वाला, जो कि पावर बैंक से जलता है, तो अभी निकाला। एक ये लाइट भी थी, लालटेन है, जो कि इससे इसको एक्चुअली अंदर रखा था ना, सोलर से भी चार्ज होती है और उससे भी चार्ज होती है, लेकिन इसको चार्ज करना ही भूल गए। लेकिन लाइट तो खैर बहुत है हमारे पास, जब मैंने प्लान करी थी ये कैंपिंग तब ये लाइट सोची थी, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में सोलर वाला आइडिया आ गया था, तो ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसको भी चार्ज कर लेंगे, इससे क्या होता है कि जब आप सोलर
बैटरी से आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। ये जो यहाँ पे सेक्शन बना है तो नाइट कैंपिंग के लिए अच्छा है, और इसमें दो चार फीचर और भी थे। हाँ, ये ऐसे बड़ी हो जाती है, जब ज़्यादा रोशनी चाहिए हो तो ऐसे कर लो, और वरना एक जगह फोकस चाहिए तो ऐसा कर लो। ये लाइट थी, इसको कल यूज़ करेंगे, आगे अगली बार यूज़ करेंगे। लो रख दो। मैंने अपने सर पे लगा लिया है हेडलैम्प, ये इससे टॉर्च पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आप, ये सारी वो जगह है जहाँ पे रोज़ लेपर्ड बैठता है। जब ये नीचे वो जंगली रिजॉर्ट वहाँ है, वहाँ से हम रूफटॉप डेक से भी जब टॉर्च की फोकस मारते थे, यहीं मारते थे, यहीं पे एक बार लेपर्ड भी रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन आज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तीन लोग बैठे हुए हैं और रोशनी है, इसलिए नहीं आएगा। आज तो कोई कॉल भी नहीं हो रही है, अभी तक एक भी कॉल नहीं हुई है यहाँ से। जबकि ये सारी जगह है जहाँ वो घात लगा के बैठा होता है। मैं बीच बीच में टॉर्च भी जला रहा हूँ, ये तो मैं हेडलैम्प डाल रहा हूँ, लेकिन टॉर्च अभी वहाँ रखी है, तो लेकिन कोई भी आंखें चमकती हुई नहीं दिख रही हैं। शायद पीछे से एक आवाज़ आएगी, यहाँ से कुछ खाना बनाने की आई, एक आवाज़ आई अभी, वो बार्किंग डियर टाइप की। जब तक ये खाना बन रहा है मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ, टॉर्च भी नहीं दे रही खाना है। ये क्या पनीर है? पनीर फ्राई, पनीर फ्राई हो रहा है, ये सब्जी वगैरह सब रखी हुई है। अभी हरिमोहन, जब वो चूल्हा जलाओगे ना चाय बना रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, ऋषिकेश से लौटा हूँ ना धूप से। नहीं, मुझे फ्राई किया पनीर पसंद है, कच्चा पसंद नहीं है। मटर पनीर में जो फ्राई हो जाता है ना, वो मुझे पसंद है। आइए मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, ये जो अड्डा है, ये देखिए लाइट जल गई जब मैं घर आया, ये दूसरी जल गई, वो उधर खाना बन रहा है पीछे। कहीं कोई हलचल दिख नहीं रही है, जंगल की साउंड तो आप सुन सकते हो। इन सब जगह में बैठता है लेपर्ड यहाँ सब। ये मैंने आज स्टोरी यहाँ पर रिकॉर्ड करी थी, एक लाइट मैंने इस पेड़ पे भी लगाई हुई है जहाँ मेरा ये फोकस पड़ रहा है, देखिए इसके ऊपर अगर कोई हलचल होगी यहाँ पे तो सेंसर से जल जाएगी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कोई हलचल नहीं है। देखते हैं रात को क्या होता है। ये लाइट जल गई, देखिए जैसे ना अगर रात को कुछ आएगा तो लाइट जलेगी, ये लगाई ही इसलिए है। हरिमोहन चूल्हा सुलगा रहा है क्योंकि साइड में चाय भी बना लें, क्योंकि सिर में बहुत दर्द है। हालांकि एक चाय मैंने पी थी ऋषिकेश से आके, लेकिन धूप में घुमा हूँ ना आज। ये दोस्तों एक आवाज़ आ रही है, ये बर्ड की आवाज़ है लेकिन मैं पहचानता नहीं हूँ। पुष्कर बोल रहा है भूत तो नहीं है, मैंने कहा भूत नहीं। इसकी आवाज़ मैंने बहुत सुनी है लेकिन मैं पहचानता नहीं हूँ आवाज़। ये देखिए प्याज वगैरह सब तल के रखे हुए हैं, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, लेकिन वीडियो में खुशबू नहीं दिखाई दे रही, मतलब खुशबू नहीं सूंघ सकते आप, देखेंगे कहाँ से। टॉर्च मार दो उसमें। ये देखिए बढ़िया, थोड़ा साइड में मारो जहाँ मार रहे, हाँ ऐसे मारो, क्योंकि जहाँ मार रहे हो ना दिखते नहीं कुछ। ये देखिए बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। दोस्तों वो जो बर्ड बोल रही है उसके अलावा एक आवाज़ आई है, पुष्कर बोला और ज़ोर से बोलने का, मैंने कहा वो आवाज़ उसकी नहीं है अलग से, वो लेपर्ड टाइप की ही आवाज़ लेफ्ट हैंड साइड से आई है। ये है
क्या है? उसमें कहाँ दिख रही है? आंखें दिख नहीं रही उसकी, आंख चमक रही है, देखो इसी पे। हाँ, लाल लाल चमक रही ना। हाँ, ये दोस्तों जो बर्ड बोल रही थी ना, इसकी आंखें लाल लाल चमक रही है। यहाँ पे उड़ गई। हाँ, वो उड़ती भी दिख रही है। हाँ, फिर राइट को गई। हाँ, कभी लेफ्ट जा रही है, कभी राइट जा रही है। अच्छा, जब उड़ रही तो आवाज नहीं कर रही थी, वही है ना। हाँ, और ये पीछे से कोयल भी बोल रही है ना। देखिए, इस तरह से दिख रहा है हमारा केज कैंपिंग स्ट्रक्चर। बीच में लाइट्स, चारों तरफ अंधेरा, और यही रास्ता है लेपर्ड के आने का। यहां से ऐसे उतर के वो मंदिर की तरफ से नीचे जाता है, तो जब भी आता है इधर से ऐसे जाके इस वाले पहाड़ से आता है, कई बार मंदिर के ऊपर बैठ जाता है। तो अभी हम लेपर्ड के रास्ते में ही कैंपिंग कर रहे हैं। एक आवाज पीछे से मुझे आई थी, अभी सिंगल आवाज आई थी। वहां सामने पहाड़ में लोग कोई गाना सुन रहा है, यहां तक आवाज आ रही है। पहाड़ में आवाज बहुत दूर तक जाती है। पुष्कर हरिमून उस साइड चले गए हैं टॉर्च लेके उस बर्ड को ढूंढने। यहाँ पे कुकर की सिटी आने वाली है, और लेपर्ड दोस्तों है दूर, मतलब पास में हमें देख रहा है। जहाँ भी है, एक आवाज आ चुकी है, दोबारा नहीं आई, लेकिन टॉर्च वो लोग लेके गए। वैसे मेरे पास है ये वाली टॉर्च, ये है हेडलैम्प है। ये देखिए, तो एक आवाज आई थी दूर से आई, मतलब ऊपर कहीं पेड़ पर बैठा हुआ है, उसने एक आवाज करके हमें बताया कि भाई ध्यान रखना, मैं भी हूं। क्योंकि उस वक्त पुष्कर बोला सर, अब जोर से बोलने लगा। और जो ये बर्ड की आवाज आ रही है ना, वो भी अगर छोटे लेपर्ड की तरह कर दो वैसी आवाज है, जैसे उसकी लकड़ी काटने की आवाज आती ना, हाँ, ऐसे ये बारीक रूप में इस तरह की बर्ड की आवाज आ रही थी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सी बर्ड है। उसकी आंखें लाल रंग की हैं, लेकिन वो नाइट जार नहीं है। उड़ा उड़ते हुए देख लिया हमने, नाइट जार की एकदम खून के जैसे आंखें होती है लाल, ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर है इसमें। ये देखिए सिटी आने वाली है, वो लोग वहां घूम रहे हैं पुष्कर और हरिमोहन। वो नीचे दिख रहा है जंगली रिजॉर्ट। बुआ जी जो नीचे जोशी जी के हैं ना, हमारे जंगली रिजॉर्ट के, वो टॉर्च मार रही हैं। इसका मतलब कोई आहट या आवाज हुई है नीचे। वो देखिए, कोई है, ये देखिए टॉर्च, ये टॉर्च मार रहे हैं। वो गाड़ी की आवाज कहाँ, खाऊं खाऊं आवाज है ना। हाँ, तो वो उसी की है। नहीं, ये तो नाइट जार है, ये तो चिड़िया है। ये जो आ रही है ना, ये तो चिड़िया है। इसकी एकदम लाल आंखें होती है। ये देखिए चंद्रमा वहां पहुंच गया, जहां से लेपर्ड भाई सब हमें देख रहे हैं, वो जगह वो है। पावर बैंक बंद हो गया, कोई नहीं, दूसरा भी है। ये अभी तक खत्म नहीं हुई जो सोलर लाइट लगाई थी। वैसे हमारे पास इमरजेंसी लाइट है, जरूरत पड़ने पे दूसरा भी, अदरवाइज वो पावर बैंक में खुद लाइट थी, वो हमने पहली बार कर रहे हैं तो आइडिया नहीं था। अब आगे से ये क्लियर हो गया कि भाई इतना बड़ा बल्ब नहीं चलाना इस पावर बैंक। इसको जरा चलाओ, लाइट इसमें चल रही है क्या? पावर बैंक में बंद हो गया, बिल्कुल खत्म है, वरना इसमें भी लाइट थी। इसको चला दो तो बहुत देर चलती है, इसमें कम पावर खींचता है, लेकिन सफिशियंट है इतनी सारी लाइट की। जल्द हमने वो ट्राई कर लिया जला के, लेकिन अगली बार नहीं चलाएंगे, इतनी लाइट बहुत है, वो लाइट बचा के रखनी चाहिए थी। ये देखिए
बिरयानी बनके तैयार हो गई, वेज बिरयानी। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ये रायता, ये वेज बिरयानी। अब इस खाने की खुशबू से कहीं भालू ना आ जाए। पहाड़ तक तो नहीं जाएगी, लेकिन भालू बहुत दूर से सूंघ सकता है। ये जाली लेपर्ड के लिए ठीक है, भालू के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि 3 आदमी भालू के लिए ठीक है, जहाँ चिल्लाओ भाग जाता है, वो डरता बहुत है। हरी मिर्ची है, क्या चाट मसाला है? तो दोस्तों जंगल कैंपिंग की बिरयानी ट्राई कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी पहले से, मालूम तो बढ़िया है। हमारा पुष्कर तो गजब ही बनाता है। बहुत बढ़िया, इसीलिए वेज बिरयानी बनी थी कि आराम से बन जाए, क्योंकि रोटी सब्जी में दिक्कत होती। मज़ा आ गया। अब पुष्कर और हरिमोहन भी खा लें, फिर सोते हैं, थोड़ी देर आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि जब तो हम लाइटें वाइटें बंद कर देंगे ना, उसके बाद प्रॉपर आवाज़ आनी शुरू होंगी। खाना हो गया, हमारा पेट भर गया, थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया। तो अभी मैंने पुष्कर बोला कि कुकर में है बिरयानी ना, मैंने कहा भाई साइड में रखना, कैंप के पास मत रखना, क्योंकि भालू ऊपर ही रहता है, यहाँ आता नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो खुशबू चलते आ जाए। तो हम खाना यहाँ रखेंगे दूर, कि अगर आए तो भैया खा के निकल जाए, हमें डिस्टर्ब ना करे। अब दोस्तों देखिए जंगल का, क्योंकि अब जो पहाड़ पे लोग गाने वाने सुन रहे थे ना, वो सब बंद हो गई आवाज़ें। और ये मैंने हेडलैम्प पहना है, अगर पेड़ पे कहीं होता तो आंखें चमक रही होती। सामान सब हमने यहाँ से साफ़ कर दिया है, ताकि खाने के चक्कर में ना आए कोई। ये डंडा रखा है, इसको भी अंदर रख लेंगे। कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा ये भोजन निकाल के रख दिया था यहाँ पे प्रसाद के रूप में। पुष्कर बोला रख दो सर, मैंने कहा ठीक है। तो अभी कोई डर वर तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार एक आवाज आई थी, ये लाइट अब बंद हो जाती, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रही ना। इसके नीचे जाओ तो देखो एक हल्की सी हुई, जैसे पास जाऊंगा मतलब थोड़ी सी इसकी चार्जिंग कम हो रही है अब, लेकिन बहुत देर से लगातार जल रही है, मतलब ठीक है, सफिशिएंट है। ये जो हेडलैम्प है मेरा, ये तो इसमें सेल लगे हुए हैं। ये देखिए इधर आ गया मैं, ये लाइट्स जल गई कैंप के पीछे की तरफ, जहाँ पे लेपर्ड के आने की संभावना है, वहाँ पे इस साइड जहाँ मैं अभी दिखा रहा हूँ ना फोकस हेडलैम्प से, यहाँ से आवाज़ आई थी, एक सिंगल आवाज़, और वो बर्ड यहाँ थी इस साइड। पेड़ पे भी नहीं है, और इसी के पीछे रहता है भालू, यहाँ नहीं रहता, काफी ऊपर रहता है। ये है अपना कैंप, कोयल बोल रही है, वो चंद्रमा।
वहाँ शायद जुगनू बैठा है एक, ये कुछ चमक रहा है, लेकिन वो मतलब जुगनू होता तो वैसे अंधेरे में भी चमकता, लेकिन रिफ्लेक्शन आ रहा है उसका। ये केज छोटा है अभी, टेंट में इसमें पुष्कर हरिमोहन सोएंगे, ऊपर जाली है, मैश है, तो हवा की दिक्कत नहीं है। मैं अपने वाले में से इधर मैश है सामने, और पीछे से इसको कवर को हटा दूं, वैसे ठंड सी हो रही है। ये मैंने खोल दिया है, वैसे अंदर का दिख रहा है ना बेड, अगर ठंड लगी तो निकल के फिर मैं इसको कवर डाल दूंगा। और इससे मैं खोल ही देता हूँ, इससे मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ फिर। ये मैश है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ऐसे रहने देता हूँ, अब दोस्तों सामने वाले पहाड़ से बार्किंग डियर की कॉल आ रही है। अब फिर झिंगुर बोल रहे हैं यहाँ पास में, दूर एक नाइट जार बोला, नाइट जार तो खैर पास में बहुत बोल रहे थे अभी, लेकिन बार्किंग डियर की पहली कॉल आई अभी। वो नाइट जार बोल रहा, पीकॉक की कॉल भी आई, और सामने पहाड़ पे जो लाइट्स हैं वहाँ लोग सो चुके हैं अब। मैंने अपने कैंप के पीछे का पर्दा हटा दिया है, तो उससे आइडिया रहेगा। दोस्तों ये है सेटअप, पिलो, ये बैग है जिसमें कैमरा वगैरह सारा सामान है, कंबल। अब मैं लाइट जलाई, क्योंकि जब लाइट जलाओ तो अंदर कीड़े आ जा रहे थे, तो ये मैश है, अब कीड़े नहीं आ सकते। इस साइड की मैश को मैंने खुला छोड़ दिया, इससे अगर रात को कोई आहट होती है तो बिना बाहर निकले भी बार फोकस ऐसे मार सकता हूँ। ये देखिए ऊपर से अगर कुछ झांकेगा तो ऐसे देख सकता हूँ। और कैंपिंग अगर आप कभी भी करें तो ध्यान रखें जूते बाहर नहीं छोड़ने, इसलिए नहीं, ये तो खैर कवर्ड है वो, क्योंकि इसमें कुछ घुस के बिछु बिछु बैठ सकता है, इसलिए जूते हमेशा अंदर होने चाहिए। मैंने हरिमोहन से कहा ये गेट बंद कर लिया, बोला हाँ कर लिया। मैंने चेक करने के लिए बाहर आया, देखा तो खुला था, और मैं ही किनारे था, मुझे ही ले जाता लेपर्ड। ये देखिए ऐसा व्यू आ रहा है, ऊपर का चंद्रमा दिख रहा है। ये जाली का गेट ये महाशय खुला छोड़ दिया था, ढंग से बंद करना इसको। ये देखिए थोड़ी सी मूवमेंट हुई तो सेंसर लाइट जल गई। ढंग से उसको लपेट दिया ना, कहाँ लपेटा, दो तीन बार लपेट दिया ना, पंजे से खींचेगा तो निकल तो नहीं जाएगा। हाँ तब, और लट कहाँ है, लट मैंने उधर वहां टिका दिया, वो कहाँ गई तलवार, तलवार बाहर है। अरे तलवार बाहर छोड़ दी, तलवार ले आओ, ले आओ,
वो लेपर्ड के लिए नहीं, भालू के लिए वो। हाँ जो घास काटने की तलवार होती है ना, जो यहाँ पे बागवानी के लिए, वो झाड़ियाँ साफ करने के लाए थे, तो हमने कहा वो भी रख लेते हैं, भालू आ गया तो ये यही रख दो, ये यहाँ रख दिए इन केस आ गया तो। लेपर्ड का कोई नहीं है, लेकिन ढंग से कर देना नीचे। सुनो, नीचे भी बांधना, पता चला कि नीचे से पंजे मार खींच ले अंदर आ जाए वो। अरे पास है, ढंग से टाइट करो। नीचे फंसाओ कैसे, तार तो तुमने छोड़े नहीं है। कैसे बांधोगे, कुछ है? अभी दोस्तों स्पॉटेड डियर बोला है, एक कॉल हुई है चीतल की, एकदम नजदीक से ही। ये देखिए बाहर की लाइट जल गई है, जो सोलर लाइट लगी हुई है। हो सकता है स्पॉटेड डियर ही आया हो। ये देखिए लाइट बंद हो गई ना, लाइट बंद हो गई और फिर जल गई। ये देखिए लाइट जल रही है, वही लाइट जिसके नीचे हमने खाना बनाया था। ये देखिए बंद हो गई। स्पॉटेड डियर हो सकता है पास में हो, ये फिर जल गई। एकदम नजदीक से भी कॉल हुई है, बस एक कॉल हुई है। दूर कुत्ता ही भौंकना शुरू हो गया है। लाइट जल रही है, बुझ रही है। ये देखिए अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और अभी भी सांबर डियर की, सांबर बोल रहा हूँ, स्पॉटेड डियर की कॉल पीछे से हुई है, एकदम पास से ही। अभी सुबह 4:30 बजे, इसलिए बर्ड्स की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। ये देखिए लाइट जल गई है अभी फिर से।
ये देखिए टेंट के बाहर का सुबह सुबह का नज़ारा है। नींद आई, कुछ घंटे आई है, 3-4 घंटे नींद आई है, लेकिन ज़्यादातर तो मैं जगते ही रहा। देखिए सुबह का नज़ारा ऐसा है, वो दिख रहा है नीचे जंगली रिजॉर्ट। ये लाइट जल रही है, सेंसर एक्टिवेट हो गया। एक चीज़, अभी मैं बाथरूम करने के लिए निकला था बाहर, ये पुष्कर ने जो खाना रखवाया था रात को कि थोड़ा बिरयानी, वेज बिरयानी, इसने ये देखिए एकदम खा लिया। यानी कोई जानवर या कोई पक्षी रात को आके खा के गया, जबकि पक्षियों की मूवमेंट रात को होती नहीं है। और रात को लाइट जल रही थी बार बार और बुझ रही थी। ये पुष्कर जी चाय बना रहे हैं। पूरी तरह से उजाला हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 5:40, वो सामने मणिकूट पर्वत पर धूप आनी शुरू हो गई है हल्की हल्की। ये चाय आ गई बनके। अभी पुष्कर नीचे चला गया फ्रेश होने के लिए, चाय और है अभी इसमें तो और गर्म कर लेता हूँ उसको। दोस्तों ये था हमारा सेटअप, टार्प। ये डीकैथलॉन वालों ने फ्रांस से भेजा था मुझे, जब मैंने रिव्यू किए थे ना, तो 4 आइटम थे इनके, एक मच्छरदानी, एक हैमॉक, एक ये टार्प और एक ये पैराकॉर्ड, एक ये वाली पैराकॉर्ड। इसके रिव्यू वीडियो है मेरे चैनल पे, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का। कल इसने बहुत बढ़िया काम किया, दिन में पहले बहुत गर्मी लग रही थी लेकिन जब ये लगा दिया तो गर्मी नहीं लग रही थी। अभी पुष्कर नीचे चला गया, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, चाय पी ली थी। हरिमोहन सो रहा है तो मैंने जाली बंद कर दी है, उसके लिए चाय और वो सब टी बैग रखा है, उठता नहीं, बहुत मेहनत करके उठाना पड़ता है, लेकिन मैंने जाली से पैक कर दिया। तो अब जा रहा हूँ नीचे। तो दोस्तों नाइट कैंपिंग का वीडियो बन गया, बहुत दिन से इसका इंतज़ार था। हैमॉक वगैरह वहाँ लगा है लेकिन मैं उसमें लेटने नहीं जा रहा हूँ, रीज़न कि वहाँ काले चीटे बहुत है। कल पुष्कर को भी एक काटा है, काले नहीं लाल चीटे। तो चलिए फिर करेंगे, अगर ये वीडियो अच्छा आप लोग को पसंद आता है तो फिर ये वाला जो जाली का सेट वो तो बने रहने दूँगा, अगर आप लोग को पसंद आता तो फिर इसको बड़ा बनाऊँगा, यहाँ तक पूरा जाली से कवर कराऊंगा, थोड़ा छोटा है। और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा तब तो मैं परमानेंट सेटअप यहाँ बना दूंगा विद वॉशरूम, एक पूरा जाली का एरिया बना के एक प्रॉपर वॉशरूम भी बना दूंगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट,
वंदे मातरम।